नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो आप लोग नागौर मेले की। नागौर मेला बढ़िया चल रहा है, खूब घोड़े घोड़ी आए हैं, बढ़िया खरीद बिक्री हो रही है। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो नागौर मेले में आ सकते हो। बाप जी लेके आए हैं 4-5 घोड़े घोड़ी, बढ़िया घोड़े घोड़ी है बाप जी के पास में। तो एक बार इनसे बात करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे बाप जी के घोड़े घोड़ी। नमस्कार बाप जी। नमस्कार बाप जी, कहाँ से आए हो? जोधपुर से। कब आए थे बाप जी मेला? रात को आया था 9 बजे। 9 बजे कितने घोड़े घोड़ी लेके आए? 4 है। और मठ पे कितनी है बाप जी? 3 और है। 3 और है। खरीद बिक्री का काम है? बिक्री का नहीं, जो भी है अच्छा भगत होता है प्रेमी उसको सेल कर देते हैं। हाँ। नहीं तो अपने वो सेवा का ही है ज्यादातर सेवा का है। हाँ। और कोई अगर भगत आएगा तो दे दोगे? भगत आएगा अच्छा कोई प्रेमी होगा। हाँ। सेवा करने वाला तो दे देंगे। दे देंगे, ये नहीं दोगे? ऐसे बिगड़ सेवा वाले को तो नहीं दोगे। तो बाप जी एक बार मेरे को इसकी जानकारी बताना ना, क्या उम्र है बाप जी? इसका उम्र है 8-8.5 महीने का। 8-8.5 महीने। बच्चा बच्ची है? बच्ची है। हाँ। अरे वाह बढ़िया बच्ची है बाप जी। माथे पे ब्लेज है? हाँ, माथे पे ब्लेज। दो पिछले सफेद है पैर। हाँ। ब्लैक कलर की है? हाँ, ब्लैक। ब्लैक कौन से घोड़े के बाप जी? ये दिलावर की है। दिलावर का। ये दिलावर घोड़ा कहाँ का है? ये टोंक में खड़ा है। टोंक में खड़ा है। आपकी होम ब्रीड है या खरीदी हुई है? नहीं, मेरे तो ये छोटी तक की बच्ची खरीद के लेके आया। माँ और बच्ची साथ में लाए। माँ और बच्ची साथ में लाए, छोटी बच्ची खरीद के लाए हैं। बढ़िया बढ़िया। तो बाप जी अभी ये सेल के लिए है? हाँ, सेल के लिए। क्या रेट मांग रहे हो इसकी? इसकी 2.25। 2.25 लाख है। हाँ। रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा? हाँ, जैसा देखो ग्राहक होगा, सेवा करने वाला प्रेमी भगत होगा तो कम कर देंगे थोड़ा बहुत। अगर प्रेमी ग्राहक होगा कोई। हाँ। सेवा करने वाला तो आप कम कर दोगे? हाँ, उसमें बैठ के कर लेंगे। बैठ के कर लोगे, कम ज्यादा भी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर होना सेवा करने वाला चाहिए। करने वाला भगत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा करने वाले को तो आप देते भी हो। और हर साल देता हूँ, हर मेला में देता हूँ। हर मेले में आप घोड़े घोड़ी देते हो, बाकी रेट का आपके कोई इशू नहीं है? नहीं, रेट अपने कोई मान्य नहीं रखता, इंसान का मान्य है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए इंसान मान्य है, रेट मान्य नहीं है। अगर इंसान सही हो तो रेट हो जाती है। रेट हो जाती है, आप जिस रेट में चाहोगे उस रेट में घोड़े घोड़ी मिल जाएंगे। अभी 2.25 लाख इसका मांग रहे हो ना? बिल्कुल। बाप जी पीछे चलना। बाप जी इसका बताना ना क्या उम्र है? इसका 7 साल का उम्र है। 7 साल बच घोड़ी है ना? घोड़ी है। घोड़ी है। माथे पे तिलक है? माथा पे फूल है। माथे पे फूल है। चारों पैर ब्लैक है। बाप जी क्या हाइट है इसकी? इसकी 60 हाइट है। 60 हाइट है। कौन से घोड़े की है ये? घोड़ा का लाइन का पता नहीं, अननोन है ना। बच्ची से, इस बच्ची से छोटे से पाला हुआ है। छोटी बच्ची लेके आए थे आप, है ना? हाँ। बिल्कुल, आपने पाली है इसको? पाल पोस के बड़ा किया, इसका ठाण भी लिया। हाँ। तो अभी सुबह या खाली है बाप जी? अभी खाली है, क्रॉस कराना है घोड़ा। क्रॉस करवाना है, मौके पे खाली है ना? हाँ। बिल्कुल। 60 हाइट है। 60 है। बढ़िया घोड़ी है बाप जी, मारवाड़ी बढ़िया घोड़ी है। क्या रेट मांग रहे हो बाप जी इसकी? इसकी 3.25। 3.25। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा रेट में? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। आ रहे हैं बाप जी ग्राहक? आ रहे हैं? आ रहा है, वो अपने अपने हिसाब से दे के जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक रेट बैठी नहीं है। हाँ, रेट नहीं जमा। रेट अभी तक जमा नहीं है। हाँ। और ऐसा कोई भगत भी आया नहीं है जो सेवा कर सके? हाँ, बिल्कुल। सेवा करने वाला होगा तो सवा दे, बिल्कुल दे दोगे। 3.25 की कोई जरूरी नहीं है। हाँ। बस चाहिए सेवा करने वाला। सेवा करने वाला प्रेमी हो पशु जानवरों का तो उसको अपन कम भी कर लेते हैं। ठीक है। कद कितना साल हो गए बाप जी आपको घोड़े घोड़ी रखते हुए? मैं 2011 से रखा। जाओ बाजू उधर। 2011 से आप रख रहे हो ना? हाँ। यानी पुराना काम है आपका घोड़े घोड़ी का? हाँ, पुराना। एक बार इसका बताना बाजी, घोड़े घोड़ी की आप सेवा भी करते हो, पुराना काम है आपके मठ पे शुरू से घोड़े घोड़ी, आप तो हर मेले में आते हो बाजी। हाँ। इसकी क्या उम्र है बाप जी? इसका दूसरा ठाण करेगी, अभी खाली है। हाँ। एक ठाण लिया हुआ है। एक ठाण लिया हुआ है। 6-7 साल का घोड़ी है। 6-7 साल की घोड़ी है। माथे पे पट्टा है? माथा पे पट्टा है। 3 पैर व्हाइट है। क्या हाइट होगी बाप जी इसका? होगा 58। 58 हाइट है। हाँ। कौन से घोड़े के कुछ पता है? नहीं, अननोन है। अननोन है ना। हाँ। आप तो जानवर देख के लेते हो। हाँ, आपको तो लाइन से भी ज्यादा मैं तो जानवर रखता है। बिल्कुल जानवर मैं तो रखता है। क्या रेट मांग रहे हो बाजी इसकी? इसकी 1,30,000। 1,30,000। रेट में और भी ऊपर नीचे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 2-4-5 का कोई ऐसा फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, हो जाएगा। पालने वाला चाहिए? पालने वाला चाहिए, घरे काम में लेने वाला, राइडिंग करने वाला भगत है ना। हाँ, तो ये भी खुश और हम भी खुश। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रेट का कोई इशू नहीं है। हाँ। बस चाहिए पालने वाला बढ़िया भगत हो। अच्छा भगत हो। हाँ। तो उसको मिल जाता है। मिल जाता है। और आप दे देते हो, मैं देखता हूँ आप हर मेले में आते हो, पैसों का कोई इशू नहीं है? हाँ, पैसे का मतलब नहीं है कि अपने जानवर सुखी होना, बस जानवर सुखी होना। और अगर कोई नहीं संभाल पावे तो वापस भी दे दो। वापस भी लेता हूँ। आप वापस भी लेते हो? हाँ। भाई जितने दिन अपना शौक है उतना रख लो। हाँ, नहीं है तो हमारा वापस कर दो, तुम्हारा पैसा लेके दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, इतनी गारंटी कोई भी लेने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा बाप जी का शौक, बस यही शौक है बाप जी का। आ जाओ बाप जी, इसकी क्या उम्र है बाप जी? इसकी अभी, क्या उम्र? अभी एक इसका बच्चा सेल कर दिया। एक बच्चा सेल कर दिया। हाँ। क्या उम्र है इसकी? इसकी क्या उम्र है? ये हो गया 6 साल का।
घोड़ा है घोड़ी है? घोड़ी है। घोड़ी है ना 6 साल की। हाँ। ये कुमेत है? हाँ, कुमेत है। माथे पे पट्टा है? हाँ, माथे पे पट्टा है। दो पैर पिछले वाइट है। हाँ। क्या हाइट होगी बाप जी इसकी? इसका 58 प्लस है। 58 प्लस है। अभी सुबह या खाली है? अभी खाली है, घोड़ा बताना। अभी घोड़ा दिखाना है, खाली है। पीछे बच्चा था दे दिया। पीछे बच्चा था दे दिया है। कितने में दिया बाप जी बच्चा? वो बच्चा ऐसे ही दिया था, 51 का। 51 का। और अभी इसकी बाल बोंगरी क्लियर है? सब बाल बोंगरी क्लियर है, बाघ बोंगरी क्लियर है इसका। अभी क्या रेट करे बाप जी इसकी? देवमन है। हाँ, देवमन भी है, बढ़िया घोड़ी है। क्या रेट मांग रहे हो बाप जी इसकी? अभी इसका 2.25। 2.25 लाख रेट में इसके भी ऊपर नीचे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, घोड़े घोड़ी आपके बाप जी सब बढ़िया है। और आपका ये चीज मेरे को सबसे अच्छा लगा, आप हर मेले में ये कहते हो भाई जो संभाल नहीं पाता मेरे को वापस दे दो, अपने पैसे लेके जाओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब उसको तकलीफ आवे तो फिर अपना वापस कर दो, तुम्हारा पैसा ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, शौक तुम तुम्हारा पूरा कर लो। हाँ, और घोड़े घोड़ी मेरा वापस दे दो। बिल्कुल बाप जी, एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर देना। 56 36 35 35 63 63 50 50। दोस्तों बाप जी ने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए, आप लोगों को खरीदना है तो आप लोगों ने देखा कुमेत घोड़ी है, बढ़िया घोड़े घोड़ी है बाप जी के पास में, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। या बाप जी अभी नागौर मेले में है, आप लोग यहाँ आके भी खरीद सकते हो, शानदार घोड़े घोड़ी है। और बाप जी हर मेले के अंदर आते हैं तो आप लोग आके खरीद सकते हो, शौक से पालते हैं। और बाप जी के पास जो भगत होता है, जो सेवा करने वाला होता है, तो उसको बाप जी घोड़े घोड़ी की रेट नहीं देखते दे देते हैं, ताकि घोड़े घोड़ी सुखी होने चाहिए। बाप जी खुद सेवा भावी आदमी है, घोड़े घोड़ी की सेवा करते हैं और खूब सेवा करते हैं। आप हर मेले के अंदर बाप जी की वीडियो देखते होंगे, सभी मेलों के अंदर बाप जी अपने घोड़े घोड़ी लेके आते हैं। बाप जी के मठ के अंदर भी खूब घोड़े घोड़ी है। बाप जी आपका मठ कहाँ पे है? मेरा ये धवा गांव है। हाँ, धवा गांव में, जोधपुर जिले में ही है। जोधपुर जिले में धवा गांव में है। हाँ, मेलबा है, धवा के पास मेलबा गांव है। मेलबा गांव है, धवा के पास में, धवा में, धवा के, बिल्कुल दवा के पास में आओगे तो कोई बता देगा। हाँ, कोई भी मेलबा गांव का नाम बोलेगा तो बता देगा। मेलबा गांव कोई भी बता देगा। हाँ। ये देखो कान कनौती की, देखो आप लोग शानदार घोड़े घोड़ी है।